गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आपकी बुक जो है हिंदी की बसंत। ठीक है, तो चैप्टर 3 का नाम है नादान दोस्त। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कहानी में से ही है। तो पहला प्रश्न है इसका, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल होते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर पढ़ते हैं। बालमन जिज्ञासाओं से भरा होता है। बालमन मतलब बचपन। उनको हर चीज़ जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है वो अक्सर हमसे प्रश्न करता है कि ये कैसे हैं, ये कैसे हुआ, कहाँ से आया। यही है इसमें वो सब। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। ठीक है, हर बच्चे में ये सवाल होता है। तो अगला प्रश्न ये है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से कार्निस पर क्यों रखे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्निस क्या होता है। कार्निस होता है जो, जैसे हमारा कोई भी रूम है तो उसके साइड पे कोई छत बनी है छोटी सी, ऐसे सामान रखने के लिए, तो उसको बोलते हैं कार्निस। ठीक है, वहाँ पे क्यों रखा था ये सब। तो इसके उत्तर में हम पढ़ते हैं, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। वहाँ पे चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, कि अंडों के बीच में से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई थी। उनको धूप लग रही होगी तो वो सोच रहे होंगे कि इसके लिए टोकरी लाते हैं। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई, उन्होंने गद्दी भी बनाई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया, उन्होंने उनका सारा प्रबंध किया खाने पीने का, सुलाने का। अगला प्रश्न जो है हमारा, वह केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। उन्होंने सच में उनकी रक्षा की या ऐसे ही कुछ गलतियां कर दी। तो आगे इसके उत्तर में है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, अपनी तरफ से तो वो अच्छा ही कर रहे थे, पर ये उनकी नादानी सिद्ध हुई, मतलब उनका बचपना सिद्ध हुआ। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। अंडों के जो बच्चे थे उनकी हत्या हो गई, वो मर गए जिस तरह से उन्होंने उनकी रक्षा की। आगे है प्रश्न कहानी से आगे, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। कह रहा है कि उन्होंने क्या क्या सोचा होगा उनके बारे में। तो इसका उत्तर है, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही सही सोचा था कि हम ये सब करेंगे तो उनके बच्चों को, मतलब अच्छे से उनकी परवरिश हो पाएगी। आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना बच्चों? तो अगर नहीं समझ आ रहा है आप तब भी बता सकते हो कमेंट में कि यहाँ से समझने, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान उत्तर है इसका, आप अपने से भी लिख सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी की किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं कि वह माँ से छुप के क्या कर रहे थे। तो आगे है, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। माँ उनको
देख लेती तो अंडों को हाथ ना लगाने देती, अगर माँ उनको देख लेती तो वो मना करती उन्हें कि मत हाथ लगाओ इनको। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। वह अपनी माँ से डर रहे थे कि अगर हमने माँ को बताया तो वो हमें मारेगी, हमारी पिटाई करेगी। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? कि इसका नाम जो है, इस कहानी का नादान दोस्त रखा है, मतलब इसका क्या शीर्षक होगा? तो चलिए इसका उत्तर है, हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या जा बच्चों की नादानी देना चाहेंगे, कि रक्षा करते करते उनकी हत्या होगी और बच्चों की नासमझी बोलेंगे। ठीक है, इसका आप खुद भी अपने से भी बना सकते हो। तो अगला इसका प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। ये भी आप अपने से भी लिख सकते हो, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। इसका उत्तर है, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते, उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते, उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। आया समझ में? तो अगला प्रश्न है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। ठीक है, तो इसका उत्तर है, चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, सारे मतलब टूट गए थे अंडे, इसलिए दोनों वहाँ से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आए। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। ठीक है, आ गया ना आपको समझ में? तो अगला प्रश्न है हमारा, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे, बहुत ही मतलब एक्साइटेड थे उनके अंडों को लेकर। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो इसका उत्तर है, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता है। ये आप अपने से भी बना सकते हो इसका उत्तर। ठीक है, एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे, उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी, उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखकर आया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? ये सवाल है एक बच्चे के मन में कि जब बिल्ली जो है अपने मुँह में बच्चों को दबाती है तो उनको दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है, ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले सुनने वाले जब किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए बातों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो बच्चों, आपको ग्रामर पढ़ने के लिए अलग से वीडियो देखना पड़ेगी, यहाँ आपको इतना समझ में नहीं आएगा ग्रामर का, उसके लिए आपको अलग से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से अलग से वीडियो देखना पड़ेगी। आगे इसका उत्तर है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? आगे तगड़े बच्चे प्रश्न, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, यहाँ रेखा के शब्द क्रमशः बच्चे सब्जी और अंडे की विशेषता जाने गुण बता रहे हैं, इसलिए विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति जब वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं, आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। ठीक है, ये है इनका उत्तर, आप खुद पढ़ लेना इनको। आगे प्रश्न 3 है, इसमें भी क्रिया विशेषण वगैरह, ये ग्रामर का है इसमें सारा, ये भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आगे है प्रश्न 4, नीचे प्रेमचंद की कहानी, सत्याग्रह का अंश दिया गया है, आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना जो अंश अधूरा सा है, तो आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओ, उसी समय एक
खूंचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खूंचे वाला कहिए क्या हूँ, भूख लग आई ना अन्न जल, भूख लगाई ना अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अभी क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखे तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे वह होता है, डर होता है। ये तो वह क्वेश्चन है जिसमें हमें उत्तर में इसके विराम चिन्ह लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, कामा वगैरह कहाँ कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देखिए, उसी समय पूंछे वाला जाता दिखाई दिया, ठीक है। ये लगा है ना यहाँ पे, 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, ये कामा आ गया, पूंछे वाले पूंछे वाला कहिए क्या हूँ, भूख लगाई ना अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, कामा आ गया हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखे तो वहाँ क्या रेंग है रहा है, रेंग रहा है क्या मतलब चिल्ला रहा है, मुझे भय होता है मतलब डर होता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये था हमारा ये चैप्टर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए समझिए और हो सके तो नोटबुक पर भी लिखिए, लिखने से हमें ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये समझ नहीं आया, हमें ये समझाइए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।